हाय एवरीवन, एकेडमिक्स फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परफेक्शन आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर चलाया जा रहे टेस्ट सीरीज का बायोलॉजी सेक्शन का प्रश्न मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। हमारा यह डिस्कस करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अभाव में जो भी स्टूडेंट अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट को टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, उन्हें सुविधा प्रदान की जाए, उनकी करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो आइए प्रश्नों का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? विकल्प है ग्रेगर मंडल, जोहानिस, डार्विन, फ्रेडरिक मिशे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत की चर्चा किया है। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका सी। दूसरा प्रश्न है, दीप्त तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, वोल्ट, कैलोरी, वाट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दीप्त तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और कैंडेला को सीडी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, बोरेक्स का प्रमुख अवयव क्या है? तो देखिए, बोरेक्स का जो प्रमुख अवयव है वह है सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि बी और डी इसका सम्मिलित रूप से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीन का आंसर हो जाएगा ई। चौथा नंबर प्रश्न है, तनाव की इकाई क्या है? तनाव की इकाई ए है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, पाउंड प्रति इंच स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चार का आंसर हो जाएगा आपका ई। ए, बी और सी इसमें तीनों सही होगा। तो चार का आंसर हो जाएगा ई। पांच नंबर प्रश्न है, जल की गहराई मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र होता है फैदोमीटर, हाइड्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जल की गहराई मापने वाले यंत्र को फैदोमीटर कहा जाता है। तो पांच का आंसर हो जाएगा ए। छठा नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में मौजूद है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ऑर्गन। तो देखिए, सबसे प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पूछा गया है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की उपलब्धता कितनी है? 78%, यानी कि छह का आंसर हो जाएगा बी। सात नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का हिस्सा नहीं है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वापतन, निस्यंदन, वर्षण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सात का आंसर हो जाएगा सी। निस्यंदन जो है वह जल चक्र का हिस्सा नहीं है। निस्यंदन जो है यह विलयन से जुड़ा हुआ है और इसी कारण यह जल चक्र का हिस्सा नहीं है। तो सात का आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न आठ नंबर, रेसिस्टेंस की इकाई क्या है? रेसिस्टेंस यानी हिंदी में जिसे प्रतिरोध कहा जाता है, इसकी इकाई क्या है? ओम प्रति मीटर, कुलम्ब, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रतिरोध की इकाई है ओम, जिसे इस रूपों में व्यक्त किया जाता है। नाइन नंबर प्रश्न है, पायरोमीटर का उपयोग ब्लैंक्स मापने के लिए किया जाता है, यानी कि पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तापमान मापने के लिए, नमी मापने के लिए, हवा की गति मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं तापमान मापने के लिए। दस नंबर प्रश्न है, पारसेक क्या है? बहुत ही इजी प्रश्न है कि पारसेक क्या है। विकल्प हैं खगोलीय दूरी की इकाई, समय, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, प्रकाश वर्ष के बराबर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों, पारसेक जो है वह खगोलीय दूरी की इकाई हम पारसेक के माध्यम से मापते हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर प्रश्न है, अघात वर्धनीयता और तन्यता किससे संबंधित है? अधातु, धातु, उपधातु, अर्धचालक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अघात वर्धनीयता और तन्यता जो है वह धातु की विशेषता है, धातु से संबंधित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा बी। अगला है प्रश्न 12 नंबर प्रश्न, ऐसा एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, फ्लोरीन, बोरॉन, पोटेशियम, ब्रोमीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु जो है वह ब्रोमीन है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 13 नंबर प्रश्न है,
कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का, सूखी बर्फ का, पोटेशियम परमैंगनेट का, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 13 का जो एक्यूरेट आंसर हो जाएगा वो आपका ई होगा, क्योंकि कृत्रिम वर्षा के लिए, देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए अमूमन सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ विकल्प में उनमें से कोई नहीं या एक से अधिक भी है, तो इसका आंसर ई होगा, क्योंकि वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट का भी प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड परमैंगनेट आदि का भी प्रयोग किया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से कौन संबंधित है? प्रसार यानी कि डिस्पर्शन, प्रकीर्णन, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर की जो कार्यप्रणाली है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 15 नंबर प्रश्न, जरा दूरदृष्टि नामक नेत्र रोग का उपचार किस प्रकार के लेंस की सहायता से किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकल लेंस, बेलनाकार, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जरा दृष्टि दोष के इलाज के लिए हम लोग द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है? ए आसमान का नीला रंग, बी गहरे समुद्र में पानी का रंग, सी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल होना, डी दिन के समय तेज तापमान, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रकीर्णन से कौन संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से कौन संबंधित है? तो देखिए आसमान का रंग नीला होता है, यह भी प्रकीर्णन के कारण होता है, गहरे समुद्र में पानी का रंग यह भी प्रकीर्णन से संबंधित है, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल होती है यह भी प्रकीर्णन से संबंधित है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए बी एंड सी, इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ई। तो 16 का आंसर हो जाएगा ई। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं, परिपथ के समान सामग्री और समान लंबाई के मोटे तार का उपयोग करने पर एमीटर की रीडिंग बढ़ जाती है। उपर्युक्त प्रेक्षण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रतिरोध अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्र पर निर्भर करता है, बी प्रतिरोध सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है, सी प्रतिरोध परिपथ में विद्युत आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, डी प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए 17 का आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, 17 का आंसर ई होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से एक से अधिक आंसर जो है वह सही है। अगला 18 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं, परिपथ में वोल्टता की जांच के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, रियोस्टेट, गैल्वेनोमीटर, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए परिपथ वोल्टता की जांच करने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी वोल्टमीटर का उपयोग हम लोग सर्किट में वोल्टता की जांच करने के लिए की जाती है, सर्किट जिसे हिंदी में परिपथ कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए। 19 नंबर प्रश्न, विद्युत जनित या जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबक के प्रेरण, उष्मा गतिकी, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, जो जनरेटर होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा ए काफ़ी कम हो जाता है, बी परिवर्तन नहीं होता, सी अत्यधिक बढ़ जाता है, डी लगातार परिवर्तन होता है, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए शॉर्ट सर्किट के समय जो सर्किट में धारा जो होती है वह अत्यधिक बढ़ जाता है, तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ए क्षेत्र में तार के लंबवत सीधी रेखाएं होती है, बी क्षेत्र में तार के समानांतर सीधी रेखाएं होती है, सी क्षेत्र में तार से निकलने वाली त्रिज्यीय रेखाएं होती है, डी क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न है कि कौन एक लंबे सीधे तार के पास चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि उस चुंबकीय क्षेत्र में तार पर केंद्रित संकेंद्रित वृत्त होते हैं।
यानी 21 का जो आंसर हो जाएगा वह होगा डी। 22 नंबर प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बहुत ही इजी प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वह मीथेन होता है। देखिए बायोगैस में आमतौर पर 50 से 70% मीथेन पाया जाता है, मीथेन जिसका सूत्र होता है CH4। 25 से 45% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होती है, इसके अलावा कुछ मात्रा में इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, जलवाष्प भी होती है, चिटको भी होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया इत्यादि गैसें भी होती है। लेकिन यहाँ प्रमुख अवयव पूछा गया है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बायोगैस का मुख्य अवयव है मीथेन। 23 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता को मापा जाता है साइट, डायोप्टर, वाट, कैंडेला, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर से मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला 24 नंबर प्रश्न है, कार्बन अन्य तत्वों के साथ बंधन के आधार पर कई यौगिक बना सकता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4, 6, 8, 1, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वह होती है 4। 24 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 25 नंबर प्रश्न है, गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे का जंग लगने से बचाने की एक विधि है, यानी कि स्टील और लोहे में जंग लगाने के लिए गैल्वेनीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका आवरण चढ़ाया जाता है। लोहे का आवरण, जस्ते का आवरण, सिलिकॉन का आवरण, मैग्नीज का आवरण, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जिस गैल्वेनीकरण का प्रयोग करते हैं हम लोग, उसमें जस्ते की परत को चढ़ाया जाता है, जस्ते की परत का आवरण उस पर चढ़ाया जाता है, लेपित किया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 से कम है। शुद्ध जल का, साबुन का, नींबू के रस, चीनी, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। किसका पीएच मान 7 से कम है, तो इस जो विकल्प दिया हुआ है उसके अनुसार आंसर हो जाएगा 26 का सी, क्योंकि नींबू के रस का जो पीएच मान है वह होता है 2, यानी कि 7 से कम नींबू के रस का पीएच मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है तो गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, इसे कहा जाता है ए संरक्षण, बी विकृत गंधिता या बासी होना, सी अम्लीयता, डी हाइड्रोजनीकरण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए प्रश्न कह रहा है कि जब वसा और तेलों का ऑक्सीकरण होता है तो गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है, इसे हम लोग विकृत गंधिता या बासी होना कहते हैं, तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर प्रश्न है, दांतों की सड़न तब शुरू होने लगती है जब पीएच मान निम्नलिखित में से कम होता है, यानी कि दांतों का सड़ना कब प्रारंभ होगा, जब दांतों का पीएच मान कितने से कम आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5.5। अगर दांतों का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों में सड़न क्रिया जो है वह प्रारंभ हो जाती है, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 29 नंबर प्रश्न है, अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है, प्रतिजैविक, दर्दनाशक, प्रत्यल्प, प्रतिपूतिक, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हम लोग जो प्रयोग करते हैं अपच के इलाज के लिए जिस प्रकार की दवा का हम लोग प्रयोग करते हैं वह होता है प्रत्यम्ल, यानी कि 29 का आंसर हो जाएगा सी। ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं और जब ये पेट में मौजूद अतिरिक्त एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एंटासिड जो है वह इसे बेअसर कर देता है, तो इसीलिए हम लोग 29 का आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग अपच के इलाज के लिए। 30 नंबर प्रश्न है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, बिलियन में शामिल है NaCl, HCl, LiCl, KCl, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिलियन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl शामिल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इलेक्ट्रॉन धन आवेशित कण होता है, तो इलेक्ट्रॉन धन आवेशित कण होता है ये है, दूसरा है
परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तीसरा है प्रोटॉन ऋण आवेशित कण है। चौथा है न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता या तटस्थ होता है। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला इलेक्ट्रॉन धन आवेशित होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नहीं होता बल्कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, तो एक नंबर गलत है। दूसरा नंबर है परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों पाए जाते हैं। अगला है प्रोटॉन ऋण आवेशित होते हैं, तो सी गलत है क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं। चौथा है न्यूट्रॉन में कोई आवेशित नहीं हो, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता और यह तटस्थ होता है, बिल्कुल सही है क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वह तटस्थ होता है और इसमें कोई आवेश नहीं होता, यानी कि बी और डी दोनों सही है, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 32 नंबर प्रश्न है CH4 में, CH4 यानी कि मीथेन, किस प्रकार का कार्बन हाइड्रोजन आबंध होता है। द्विआबंध, एकल आबंध, त्रिआबंध, एक त्रिआबंध और एक एकल आबंध। तो दोस्तों 32 का आंसर जाएगा आपका बी, यानी कि CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का जो आबंध होता है वह एकल आबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का आपका बी। 33 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए सदिश राशि का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सदिश राशि का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक जो है वह सदिश राशि का उदाहरण है। यहाँ पर कौन कौन है, जैसे वेग सदिश राशि का उदाहरण है, विस्थापन सदिश राशि का उदाहरण है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ई। वेग, आवेग, संवेग, बल, बल आघूर्ण, ये सभी सदिश राशि के उदाहरण है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ई। 34 नंबर प्रश्न है वेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, वेग एक सदिश राशि है। बी, सॉरी प्रश्न है कि वेग एक अदिश राशि है। अभी हमने बताया वेग, संवेग, आवेग, बल, बलाघूर्ण, ये सब अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश राशि है, तो पहला नंबर कथन गलत हो गया। दूसरा, परिमाण की दृष्टि से गति और वेग जो है वह समान होते हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि जो वेग के संबंध में एक यही कथन इसका सही है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा विकल्प, गति में परिमाण के साथ दिशा भी होती है। चौथा है वेग दिशा के बारे में नहीं बताता है, तो ये सब गलत है, कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि परमाणु की दृष्टि से गति और वेग समान होते हैं। 35 नंबर प्रश्न है वह तापमान जिस पर फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर एक ही रीडिंग दिखाते हैं क्या है। तापमान का मान क्या है, 40 डिग्री, -40 डिग्री, 55 डिग्री, -55 डिग्री या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि -40 डिग्री तापमान ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस एंड फारेनहाइट दोनों इस पर दोनों का रीडिंग जो है वह एक समान होती है, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। 36 नंबर प्रश्न है C6H12O6 निम्नलिखित में से किस यौगिक को दर्शाता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, शर्करा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, 36C6H12O6 जो है वो इसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, अल्टोज आदि कई सारे यौगिक होते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 36 का ई। 37 नंबर प्रश्न है सौर स्थिरांक का मान क्या होता है। 1.366 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.266 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, 1.9 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, 3.1 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों सौर स्थिरांक का जो वैल्यू होता है वह इसका आंसर हो जाएगा ए, 1.366 किलो वाट प्रति मीटर स्क्वायर सौर स्थिरांक का वैल्यू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 38 नंबर प्रश्न है OH समूह का आबंध क्रम क्या है। 2, 3, 1, 1.5, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, OH समूह अथवा OH समूह को जिसे अल्कोहल समूह भी कहा जाता है, तो इसका जो आबंध क्रम होता है वह 2 होता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। 39 नंबर प्रश्न है फलों को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन, मेथिलीन, प्रोपिलीन, आइसोप्रोपिलीन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, 39 का आंसर हो जाएगा ए। 40 नंबर प्रश्न तरल तेल को ठोस वसा में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया उपचयन, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण, अपच
उपचय इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो तरल तेल को ठोस वसा में बदलने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। अगर हाइड्रोजनीकरण को परिभाषित किया जाए तो हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा तरल तेल को वनस्पति घी डालडा जैसे ठोस वसा में परिवर्तित किया जाता है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि हाइड्रोजनीकरण। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक प्रकार का तत्व नहीं है? धातु, अधातु, अर्धचालक, उपधातु। यह संभवतः 65वीं या 66वीं में भी पूछा गया प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, विकल्प ई, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है क्योंकि सभी तत्व के कोई ना कोई प्रकार हैं। तो 41 का आंसर हो जाएगा ई। 42 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पर केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, इसे आपको चूज करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वह CaSO4 × ½ H2O, यानी कि 42 का आंसर हो जाएगा ए, CaSO4 × ½ H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जाना जाता है। 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम सल्फाइड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जाना जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक सफ़ेद प्रकार का पाउडर होता है जो क्लोरीन की तेज गंध देता है, और ब्लीचिंग पाउडर ही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा सी। 44 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन क्रमशः 7 और 4 दिया हुआ है, तो वह तत्व है बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसको केमिकल फार्मूला के जरिए से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। अब वो कैसे है मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 7, तो 7 बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो चूंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन यहाँ दिया हुआ है 4 है, तो 4 प्लस प्रोटॉन, ठीक है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना आ रहा है 3, यानी कि 3 क्या है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3। तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, लिथियम 3, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 45 नंबर प्रश्न सिमिलर है 45 नंबर प्रश्न भी, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 और 6 है, तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात कराना है। हमने बताया कि द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दिया हुआ है आपका 12 और उधर हो गए आपके 6, तो हो गया प्रोटॉनों की संख्या कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6, यानी कि 45 का आंसर हो जाएगा बी। 46 नंबर प्रश्न, बेकरेल में क्या मापा जाता है? नाभिकीय बल, रेडियोधर्मिता, गुरुत्वाकर्षण, दीप्त तीव्रता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा बी, बेकरेल में रेडियोधर्मिता को मापा जाता है। 47 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मात्रा का इकाई नहीं है? अपवर्तक सूचकांक, तनाव, यंग मापांक, ठोस कोण, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तक सूचकांक मात्रा का इकाई नहीं है, क्योंकि अपवर्तनांक जो है एक आयाम रहित राशि है जो निर्वात की तुलना में किसी माध्यम में प्रकाश की गति को मापता है, तो एक आयाम रहित राशि है। तो इसका आंसर हो जाएगा 47 का ए। 48 नंबर प्रश्न है, केल्विन पैमाने में 37 डिग्री सेल्सियस का माप होता है, इसको आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं वैल्यू निकालने के लिए बता दे रहा हूँ, 210 सेल्सियस निकालने के लिए आप इसमें 210 ऐड करने के बाद आप इसका सेल्सियस निकाल सकते हैं, तो निकालने के बाद आपको 310.15 केल्विन आएगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर प्रश्न है, ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से चलती है, यानी कि ध्वनि तरंग सबसे तेज गति से कहां पर चलेगी? निर्वात में, ठोस में, तरल में, गैस में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ध्वनि तरंग जो है वह सबसे ज़्यादा तेज गति से जो चलेगी वह ठोस में सबसे ज़्यादा तेज गति से चलेगी, तो इसका विकल्प जो है वह सही है।
50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। अभी हमने ऊपर बताया था वेग, आवेग, संवेग, बल, बलागुण, ये सभी सदिश राशि है और यहाँ पर विकल्प है कि कौन अदिश राशि है। अदिश राशि को आपको छांटना है, वेग, तो वेग तो बिल्कुल भी अदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं होगा, हमने ऊपर बताया। त्वरण, गति, चाल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रश्न है यहाँ पर अदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अदिश राशि का जो एग्जाम्पल है विकल्प के अकॉर्डिंग वह है चाल। तो इसका आंसर होगा 50 का डी। 51 नंबर प्रश्न है, द्रव माध्यम में ध्वनि तरंग होती है, यानी कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जिस प्रकार से प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, उसी प्रकार से ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ए। 52 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, मिट्टी तेल में, पेट्रोल में, ठोस वसा में, साधारण नमक में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों हाइड्रोजन किस में नहीं पाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साधारण नमक में। साधारण नमक जो है वह सोडियम क्लोराइड होता है और इसीलिए नमक में हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है। तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 53 नंबर प्रश्न, रसोई गैस का मुख्य घटक क्या है। तो रसोई गैस का जो मुख्य घटक है वह प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, एसीटोन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक यहाँ पर विकल्प हैं। तो रसोई गैस का जो मुख्य घटक है वह ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों है, तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही होगा, इट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। 54 नंबर प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की ब्लैंक्स की ऊपरी सीमा हो सकती है, यानी कि चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की चाल या द्रव्यमान या लंबाई या भार की ऊपरी सीमा हो सकती है। यह विकल्प के अनुसार आपको सही विकल्प को छांटना है। तो चंद्रशेखर सीमा एक श्वेत वामन तारे की द्रव्यमान की ऊपरी सीमा हो सकती है। 54 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 55 नंबर प्रश्न है, ड्यूटेरियम एक समस्थानिक है, हाइड्रोजन का, लिथियम का, बोरॉन का, कार्बन का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए ड्यूटेरियम जो है वह किसका समस्थानिक है, हाइड्रोजन का, यानी कि 55 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 56 नंबर प्रश्न है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणु एक त्रिआबंध से जुड़ते हैं क्या कहलाते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आयनी बंधन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एल्काइन जो है वह दो कार्बन परमाणु एक त्रिआबंध से एल्काइन में जुड़ेंगे। एकल आबंध होता तो एल्केन होता, द्विआबंध होता तो एल्कीन होता, और चूंकि यहाँ त्रिआबंध कहा गया है तो वह आंसर होगा एल्काइन। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, गंधक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सबसे हल्की धातु यहाँ पर पूछा गया है, तो दिए गए विकल्प जो है इस ये सभी अधातु का यहाँ पर विकल्प दिया गया है, विकल्प के अनुसार कोई भी धातु है ही नहीं। अगर प्रश्न आए कि सबसे हल्की धातु कौन सी है तो होगा आंसर लिथियम, लेकिन जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से आंसर ई होगा, क्योंकि विकल्प के अनुसार सभी अधातु विकल्प में दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा ई। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। 58 नंबर प्रश्न है, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस का सीधे ठोस में जो परिवर्तन होता है वह निक्षेपण कहलाता है। इसका 58 का आंसर हो जाएगा बी, गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, अगर ठोस से गैस में परिवर्तन होता तब वह ऊर्ध्वपतन कहलाता, लेकिन यह गैस से ठोस में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा निक्षेपण। तो 58 का आंसर हो जाएगा बी। 59 नंबर जो प्रश्न है, परमाणु के ऋण आवेशित भाग को क्या कहा जाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अभी ऊपर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की विशेषता में कि ऋण आवेशित भाग को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, धन आवेशित भाग को प्रोटॉन कहा जाता है, और जो जिसका कोई आवेश नहीं आवेशहीन हो तो वह न्यूट्रॉन कहलाएगा। तो ऋण आवेशित भाग पूछा गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, पीतल मिश्र धातु है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है,
तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पीतल तांबा और जिंक की मिश्र धातु है। 61 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। प्रसिद्ध ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता दी गई थी, यानी कि ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता किसके द्वारा दी गई थी? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, चैडविक के द्वारा, जे थॉम्सन के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो प्रसिद्ध जो है ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता, देखिए ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता E बराबर NC स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वह ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता को से संबंधित है। तो प्रश्न कि E बराबर MC स्क्वायर किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। अब आते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। जंग को रोकने के लिए एल्यूमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वनीकरण, बहुलीकरण, एनोडीकरण, धातु मिश्रण यानी कि एलॉइंग, उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जंग को रोकने के लिए एल्युमिनियम का गाढ़ा ऑक्साइड बनाने की जो प्रक्रिया है वह एनोडीकरण कहलाती है। 62 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 63 नंबर प्रश्न की ओर आ रहे हैं। स्कूबा डाइवर्स में स्वापकता या नार्कोसिस को रोकने के लिए ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया गया गैस नाइट्रोजन होता है, सोडियम होता है, ऑर्गन होता है, फ्लोरीन होता है, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्कूबा डाइवर्स में नार्कोसिस को रोकने के लिए ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन के साथ जिस गैस को मिश्रित किया जाता है वह होता है नाइट्रोजन। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 64 नंबर प्रश्न, निम्न लिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, यानी कि सबसे अधिक जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल निम्नलिखित में से कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल के बारे में यहां पर पूछा गया है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है वह है पोटेशियम, यानी कि 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये सब जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता का क्रम है। सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद होता है सोडियम, उसके बाद होता है कैल्शियम, फिर होता है एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पोटेशियम। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना जिसे 24 कैरोट सोना कहा जाता है बहुत नरम होता है, इसीलिए आभूषण बनाने के उद्देश्य से इसमें किस चीज़ का मिश्रण किया जाता है? चांदी का, तांबा का, जस्ता का और एंटीमनी का। यानी कि शुद्ध सोना जो 24 कैरेट का सोना होता है वह बहुत नरम होता है, तो उसे और उसी इसीलिए आभूषण बनाने के लिए शुद्ध सोने के साथ किसका हम लोग मिलावट के रूप में प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसका बेसिकली जो जिसे मिलावट के लिए हम लोग यूज करते हैं उसमें चांदी, तांबा, जस्ता सभी का प्रयोग किया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ई। 66 नंबर प्रश्न है, जब किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है तो परिणामी मिश्र धातु को क्या कहते हैं? समांगी मिश्र धातु, अमैलगम, अनुरूप यानी एनालॉग, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अगर किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं तो परिणामी मिश्र धातु को अमैलगम कहा जाता है। 66 का आंसर हो जाएगा बी। 67 नंबर प्रश्न है, खाने के डिब्बे पर जस्ते की नहीं बल्कि टीन की परत चढ़ाई जाती है, यानी कि खाने की जो डिब्बा होती है, डब्बे होती है, उस पर हम लोग जस्ते के बजाय टीन के डब्बे की परत का यूज करते हैं, परत चढ़ाया जाता है, इसका क्या कारण है? ए, टीन की तुलना में जिंक महंगा है। बी, टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। डी, टीन की तुलना में जिंक कम प्रतिक्रियाशील होता है। ई, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए खाने के डिब्बे पर हम लोग जिंक की नहीं बल्कि टीन की परत हमारे द्वारा चढ़ाई जाती है। तो 67 का आंसर हो जाएगा सी। 68 नंबर प्रश्न है, दंत चिकित्सक यानी कि डेंटिस्ट किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ईजी प्रश्न है कि दांत के चिकित्सक जो होते हैं वह किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल, उत्तल, समतल, पारदर्शी, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो दंत चिकित्सक या डेंटिस्ट जो होते हैं वह रोगियों की जांच के लिए वे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। तो 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक है? वायु, बर्फ,
पानी, नीलम इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा किसका अपवर्तनांक हीरे से अधिक है, तो हीरे से जो अधिक अपवर्तनांक है इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 69 का आंसर हो जाएगा ई। 79वां प्रश्न है, आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सीधा होता है, दर्पण होने की संभावना, यानी कि आप दर्पण से कितनी भी दूर खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में हमेशा सीधा होगा। तो इसका मतलब है कि किस प्रकार का वह दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि या तो समतल या तो उत्तल दर्पण होगा, तभी असंभव है कि आप दर्पण से कितनी भी दूरी पर खड़े रहेंगे तब आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा आएगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा डी। 71वां प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि जल का घनत्व सबसे ज़्यादा किस तापमान पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है वह सर्वाधिक होता है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करनी है। यहाँ 4 प्रकार की आपको दिया गया है चुंबकीय तरंगे, जिसमें अवरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स और गामा किरण है। इसमें आपको व्यवस्थित करना है उसकी फ्रीक्वेंसी के अनुसार, यानी कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली जो किरणें हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें उसे पहले लिखना है। उसके बाद जैसे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है उस प्रकार से आपको यहाँ सीरियल वे में यहाँ पर आपको सजावट करनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सबसे कम जो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी जिस विद्युत चुंबकीय की होती है वह होती है अवरक्त चुंबकीय तरंगे, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है गामा किरणें की होती है। अवरक्त किरणें, उसके बाद दृश्य प्रकाश, उसके बाद परावैगनी किरणें, फिर एक्स किरणें और फिर गामा किरणें। तो 72 का आंसर हो जाएगा ए। 73वां प्रश्न है, भूकंप के दौरान कौन सी गैस निकलती है, ऑर्गन, रेडॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो भूकंप के दौरान रेडॉन गैस निकलती है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भूकंप के दौरान किस प्रकार की गैस निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन ही वह गैस है जो भूकंप के दौरान देखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 74वां प्रश्न, फैराडे में क्या मापा जाता है, तो फैराडे में क्या मापा जाता है, विद्युत धारिता का हम लोग फैराडे में मापते हैं। 74 का आंसर हो जाएगा बी। 75वां प्रश्न है, वुड ग्रेन अल्कोहल और कुछ नहीं सिर्फ ए मेथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है, बेंजाइल अल्कोहल होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो वुड ग्रेन अल्कोहल और कुछ भी नहीं सिर्फ और सिर्फ मेथेनॉल होता है। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए। मेथेनॉल का अगर सूत्र देखा जाए तो केमिकल फार्मूला CH3OH होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 76वां प्रश्न है, साबुन और अपमार्जक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि यहाँ पर आपको देखना है कि सोप और डिटर्जेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, और सही कथन के अनुसार आपको यहाँ पर चूज करना है। तो कथन नंबर ए है, साबुन वसा अम्ल की एक श्रृंखला होती है, तो यह जो है वह बिल्कुल सही है। बी है कि पुंछ जल विरोधी या हाइड्रोफोबिक होते, बिल्कुल सही है, यानी कि बी भी सही है और इसका ए भी सही है। सी नंबर विकल्प है, सिर हाइड्रोफिलिक होता है, बिल्कुल, पूंछ जो है हाइड्रोफोबिक होगा और इसका सिर हाइड्रोफिलिक होता है, और डी साबुन आमतौर पर पोटेशियम और सोडियम लवण होते हैं, यानी कि इसका ए बी सी और डी चारों विकल्प सही हो गए, यानी कि 76 का आंसर हो जाएगा आपका ई। 77वां प्रश्न है, बायोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका संकेत है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बायोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो वह आंधी तूफान का संकेत है, यानी कि 77 का आंसर हो जाएगा डी। 78वां प्रश्न है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, दूध की शुद्धता, हवा की गति, अपेक्षित घनत्व या गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नापने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों 78 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग अपेक्षित घनत्व मापने के लिए करते हैं। 79वां प्रश्न, एक आदर्श तरल की श्यानता है, 0, अनंत, 1, 10, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो एक आदर्श तरल की जो श्यानता होती है वह हमेशा 0 होती है, यानी कि इसका आंसर 79 का आंसर हो जाएगा आपका ए।
18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? अल्फा किरणें, प्रकाश किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एग्जाम्पल है वह है प्रकाश तरंग, यानी कि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 80 का आंसर हो जाएगा बी। 81 नंबर प्रश्न, पोटेशियम पर मैग्नेट है रंगहीन गैस, बैगनी रंग का ठोस, लाल तरल, ज्वलनशील गैस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वह बैगनी रंग का एक ठोस है। 81 का आंसर हो जाएगा बी। 82 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में माध्यम के कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? चालन, संवहन, विकिरण, परिवहन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि चालन ही वह प्रक्रिया है जिसमें माध्यम के कणों की वास्तविक गति के बिना ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि 82 का आंसर हो जाएगा ए। 83 नंबर प्रश्न, अपेक्षिक आर्द्रता निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, फैदोमीटर, लैक्टोमीटर, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए अपेक्षिक आर्द्रता पूछा गया है यहाँ पर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 83 का बी, यानी कि अपेक्षिक आर्द्रता जो है वह हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर प्रश्न है, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है संवहन द्वारा, चालन द्वारा, अभिवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है वह विकिरण के माध्यम से पहुँचते हैं। और आप लोग जानते हैं कि सूर्य का जो ऊष्मा टेम्परेचर होता है उसका 2/2 हिस्सा जो है वह पृथ्वी पर प्राप्त होती है। तो यह सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है विकिरण के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा डी। 85 नंबर प्रश्न है, गामा किरण है कि गामा किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? आवेशित हैं, धनावेशित है, अनावेशित है, या आवेशित और अनावेशित दोनों है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। तो जो गामा किरण है वह अनावेशित किरणें हैं। 85 का आंसर हो जाएगा सी। 86 नंबर प्रश्न है, मोतियाबिंद का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो मोतियाबिंद जो होती है एक आँख की एक बीमारी है, तो मोतियाबिंद के इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86 का सी, शल्य चिकित्सा के माध्यम से मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। 87 नंबर प्रश्न है, वह यंत्र जो परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है वह कौन सी यंत्र है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, संधारित्र कैपेसिटर। तो वह कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है? 87 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के माध्यम से विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। 88 नंबर प्रश्न, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किसके माध्यम से किया जाता है? तो देखिए आप लोग विकल्प के ध्यान से पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है किस रूप में? ए, इसकी श्रेणी क्रम में एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। बी, इसकी श्रेणी क्रम में एक बहुत ही कम प्रतिरोध को जोड़कर। वहाँ था उच्च प्रतिरोध, यहाँ कम प्रतिरोध। सी, इसके समानांतर क्रम में एक बहुत कम प्रतिरोध को जोड़कर। डी, इसके समानांतर में एक बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जब परिवर्तित करेंगे तो इसकी एक श्रेणी क्रम में बहुत ही उच्च प्रतिरोध को जोड़कर हमें परिवर्तित करना होगा। तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। 89 नंबर प्रश्न है, एसी डायनेमो या जनरेटर का एसी डायनेमो या जनरेटर एक यंत्र है जिसका उपयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी कि एसी डायनेमो या जनरेटर का प्रयोग हम लोग किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं? तो यह स्वाभाविक है कि एसी जनरेटर या डायनेमो का प्रयोग हम लोग यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए इसका आपको हमेशा याद करना होगा कि विद्युत डायनेमो के द्वारा कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, विद्युत मोटर के द्वारा कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित होगी, तो यह आपको याद करना होगा। इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां प्रश्न था एसी जनरेटर या डायनेमो, तो यहां इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 99 प्रश्न है, चुंबक के दो समान ध्रुव ए एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एकल चुंबक बनाने के लिए संयोजन करता है, एक दूसरे के चुंबकीय गुण को बेअसर करता है, या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो चुंबक के दो समान ध्रुव जो होंगे वह एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। 90 का आंसर हो जाएगा ए।
91 नंबर प्रश्न है, हेमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी से मिलकर बना होता है। तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका ई, यानी कि एक से अधिक इसका सही है। 92 नंबर प्रश्न है, एक रेक्टिफायर परिवर्तित करता है दिष्ट धारा को परिवर्तित धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, विद्युत धारा को यांत्रिक धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को पुनः प्रत्यावर्ती धारा में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक रेक्टिफायर, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एक रेक्टिफायर जो होता है वह प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। 92 का आंसर हो जाएगा बी। 93 नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस के नियम की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? डाल्टन को, एम फैराडे को, केल्विन को, आर्किमिडीज को, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद्युत अपघटन के नियम की खोज माइकल फैराडे ने की थी। 93 का आंसर हो जाएगा बी। 94 नंबर प्रश्न है, पहियेदार वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहियेदार वाहनों के द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसका मापने के लिए किसका प्रयोग, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर, अल्टीमीटर, डायनेमोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ओडोमीटर के माध्यम से पहियेदार वाहनों की दूरी को मापा जाता है। 94 का आंसर हो जाएगा ए। 95 नंबर प्रश्न है, एरोसोल एक संयोजन है तरल और गैस का, तरल और तरल का, तरल और ठोस का, गैस और ठोस का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 95 का ई, क्योंकि एरोसोल हवा या किसी अन्य गैस में सूक्ष्म ठोस कणों या तलों तरल बूंदों का एक निलंबन होता है। इसका आंसर हो जाएगा ई। 96 नंबर प्रश्न जो है, समुद्र के पानी के विलवणीकरण में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? समुद्र के पानी के विलवणीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? परासरण या ऑस्मोसिस का, उत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस का, आरओ जिसे शॉर्ट में कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, सी विसरण, डी ऑक्सीकरण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो समुद्र के पानी के विलवणीकरण के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग करते हैं। और आप तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस हर एक घर की, हर एक व्यक्ति की, हर एक फैमिली की एक नीड बन चुकी है। 96 का आंसर हो जाएगा बी। 97 नंबर प्रश्न, एनोड किरणें अथवा धनात्मक किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? यानी कि एनोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? एनोड किरणें जिसे धनात्मक किरणें भी कहा जाता है, चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एनोड किरणें अथवा धनात्मक किरणों की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी 1886 ईस्वी में। 98 नंबर प्रश्न है, परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किस पर केंद्रित होता है? बाहरी सीमा में, नाभिक में, इलेक्ट्रॉन में, परमाणु में द्रव्यमान नहीं होता, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान किस पर केंद्रित होता है? तो परमाणु का जो अधिकतम द्रव्यमान होता है वह नाभिक पर केंद्रित होता है। परमाणु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसका अधिकतम द्रव्यमान जो है वह नाभिक पर केंद्रित होगा, यानी कि 98 का आंसर हो जाएगा बी। 99 नंबर प्रश्न है, परमाणु रिएक्टरों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है? यानी कि मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी पानी का, ग्रेफाइट छड़ का, कोबाल्ट छड़ का, कैडमियम छड़ का, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में हम लोग अक्सर ग्रेफाइट वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है, 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम धातु का घनत्व किसका है? कैल्शियम, लिथियम, टंगस्टन, पारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लिथियम। किस धातु का घनत्व सबसे कम है? तो लिथियम का घनत्व सबसे कम है। 101 नंबर प्रश्न है, मोतियों का मुख्य अवयव क्या है? व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पर्ल्स? मोतियों का मुख्य अवयव क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो मोतियों का जो मुख्य अवयव है वह कैल्शियम कार्बोनेट है। मोतियाँ जो होते हैं वह
कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 का बी। 102 नंबर प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 11, 10.5, 10.6, 10.7, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वह 10.5 होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो क्विक लाइम के नाम से कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है, यानी कि 103 का आंसर हो जाएगा बी। 104 नंबर प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? 104 नंबर है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बोनिक एसिड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि जो प्रोड्यूसर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन इन दोनों का मिश्रण है, यानी कि इसका आंसर ए और बी, यानी कि डैट मीन्स इसका आंसर एक से अधिक होगा, यानी कि 104 का आंसर ई होगा। 105 नंबर प्रश्न, सफ़ेद सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सफ़ेद सोना के रूप में प्लैटिनम को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्लैटिनम सफ़ेद सोने के रूप में, सफ़ेद सोने के रूप में विश्व में जाना जाता है। 106 नंबर प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी आयाम पर, पिच पर, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, पहला है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर, पिच पर, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर, और वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य पर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ध्वनि की प्रबलता एम्पलीट्यूड पर, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर, ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। 107 नंबर प्रश्न, ऑप्टिकल उपकरण के लिए निम्न में से किस ग्लास का प्रयोग किया जाता है? सोडा कांच, पोटास कांच, फ्लिंट कांच, बोरोसिलिकेट कांच, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्टिकल उपकरण के लिए फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 108 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दर्दनाक नहीं है? एनाल्जेसिक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एस्पिरिन, वैलियम, पैरासिटामोल, मॉर्फिन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन दर्दनाक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वैलियम। वैलियम जो है वह दर्दनाक नहीं है, बल्कि एक ट्रैंक्विलाइजर है, एनाल्जेसिक वैलियम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? आपको जो विकल्प दिए गए उसमें से प्राकृतिक बहुलक को छांटना है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, लाख या लाह, अस्टायरिन, बैकेलाइट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए विकल्प के अनुसार लाख जो है वह एक प्राकृतिक बहुलक है, और ये जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वह कृत्रिम बहुलक है। तो 109 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाख या लाह प्राकृतिक बहुलक है, जबकि अस्टायरिन, बैकेलाइट और पॉलीविनाइल क्लोराइड एक कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। तो 109 का आंसर हो जाएगा बी। 110 नंबर प्रश्न है, आरडीएक्स जाना जाता है साइक्लोनाइट के रूप में, साइक्लोमाइट के रूप में, साइक्लोबेंजीन के रूप में, साइक्लोप के रूप में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आरडीएक्स साइक्लोनाइट के रूप में जाने जाते हैं, 110 का आंसर हो जाएगा ए। 111 नंबर प्रश्न है, सामान्य वर्षा जल में पीएच मान, सामान्य वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 7, 4, 5.6, 8, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। सामान्य वर्षा जल का अगर पीएच मान देखा जाए तो सामान्य वर्षा जल का पीएच मान 5.6 होता है, ऐसे 5.6 से 6 के बीच में होता है, और अम्लीय वर्षा अगर होता तो 4.0 होता, लेकिन सामान्य वर्षा है तो इसका 5.6 से 6 के बीच में होता है। तो इसके विकल्प के अनुसार 111 का आंसर सी होगा। 112, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चूहा मारने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फेट, जिंक फॉस्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक फॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जिंक फॉस्फाइड इसका आंसर हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग हम लोग चूहा मारने के लिए करते हैं। 113 नंबर प्रश्न, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
ए बारूद या गन पाउडर में बिल्कुल सही है, पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का हम लोग बारूद बनाने के लिए उपयोग करते हैं, उर्वरक में भी इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक में भी उपयोग किया जाता है और माचिस की तिलियों में भी किया जाता है। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वह विकल्प के अनुसार चारों में किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 113 का ई। 114 नंबर प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पाद होते हैं अम्ल और क्षार, क्षार और लवण, अम्ल और जल, लवण और जल। तो उदासीनीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें होते हैं लवण और जल होते हैं। 114 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। 114 का आंसर हो जाएगा डी। 115 नंबर प्रश्न है, सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में या सीमित आपूर्ति में इसके गलनांक से निम्न स्तर पर गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है, भर्जन, निस्तापन, प्रगलन, आसवन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम निस्तापन कहते हैं। 115 का आंसर हो जाएगा बी। 116, जर्मन सिल्वर किसके मिश्र धातु है, या बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार स्टेनलेस स्टील के बारे में पूछा गया और जर्मन सिल्वर के बारे में पूछा गया है। तो जर्मन सिल्वर किसके मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तांबा, जस्ता और निकल की मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। आप लोग इससे रट जाइए, जर्मन सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, पीतल, तांबा, जिंक, ये सब जितने मिश्र धातु इंपॉर्टेंट है उसे आपको याद करना होगा। 116 का आंसर हो जाएगा सी। 117 नंबर प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में अधातु घटक क्या है, कार्बन, बोरॉन, सिलिकन, मैग्नीज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो स्टेनलेस स्टील में अधातु जो है वह कार्बन, कार्बन। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा एंड कार्बन का मिश्र धातु है, ठीक है। तो प्रश्न है कि आप अधातु क्या, तो अधातु तो कार्बन ही होगा ना, कहीं कहीं स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल भी मिलेगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो है वह लोहा, क्रोमियम और निकेल, तो स्टील देखिए दो प्रकार की चीज़ें, स्टील और स्टेनलेस स्टील। स्टील लोहा और कार्बन का है, कार्बन का मिश्र धातु स्टील, लोहा और कार्बन। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और निकेल का एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। 118 नंबर प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी किसके बीच आकार की संरचनाओं से संबंधित है, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो आकार है वह निम्नलिखित में से कहां पर फिट बैठता है। तो नैनो जो टेक्नोलॉजी है वह 1 से 100 नैनोमीटर के बीच का होता है, 1 से 100 नैनोमीटर के मध्य का होता है। तो 118 का आंसर हो जाएगा डी। 119 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक या उपधातु है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक का उदाहरण या उपधातु का उदाहरण है। 119 का आंसर ए एंड बी होगा, डैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ई। 120 नंबर प्रश्न है, 20 हर्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। 20 हर्ज से कम हर्ज वाली आवृत्ति को इंफ्रासोनिक कहा जाता है। 120 का आंसर हो जाएगा बी। 121 नंबर प्रश्न, यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो प्रवाह होता है, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, सबसोनिक, अल्ट्रासोनिक, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हाइपरसोनिक कहलाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, जब सरल आवर्त गति करने वाला एक कण अंतिम छोर पर होता है तो कण का वेग होता है, शून्य, अनंत, एकक, नियतांक, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जब सरल आवर्त गति करने वाला एक कण अंतिम छोर पर होता है तो कण का वेग कितना होगा, तो कण का वेग शून्य होगा, यानी कि 122 का आंसर हो जाएगा ए। 123 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प में से आपको सही कथन को चूज करना है, सही कथन को आपको छांटना है। ए, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है। बी, यदि लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है।
सी यदि लिफ्ट एक समान गति से ऊपर की ओर जा रही हो तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से अधिक होता है। डी यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रही हो तो पिंड का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होता है। इसमें से सही कथन को छांटना है तो सही कथन इसका डी हो जाएगा, क्योंकि यदि लिफ्ट एक समान गति से नीचे की ओर आ रहा हो तो पिंड का जो आभासी भार होता है वह वास्तविक भार के बिल्कुल इक्वल होता है। यानी कि 123 का विकल्प नंबर डी जो है वह सभी विकल्पों में से सही है। 124 नंबर प्रश्न, न्यूटन का गति का जो पहला नियम है वह किसे निरूपित करता है? न्यूटन के गतिकी का पहला नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व का नियम, बल का नियम, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूटन के गतिकी का पहला नियम जो है वह जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है, दूसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम को परिभाषित करता है और तीसरा नियम बल के नियम को परिभाषित करता है। तो यह न्यूटन के गतिकी का पहला नियम पूछा गया है तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है। 125 नंबर प्रश्न है, अधिकतम क्षैतिज परास को कवर करने के लिए प्रक्षेप गति के लिए कोण होना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो अधिकतम क्षैतिज परास को कवर करने के लिए प्रक्षेप गति के लिए अधिकतम जो कोण होना चाहिए वह 45 डिग्री होना चाहिए। 125 का आंसर हो जाएगा बी। 126 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं? ठोस अवस्था, विलयन अवस्था, गैसीय अवस्था, पिघली अवस्था, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों 126 का आंसर हो जाएगा वह आंसर ई होगा, क्योंकि आयनिक यौगिक विलयन और पिघली अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं, तो 126 का आंसर हो जाएगा ई। 127 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फलों और रसों के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? यानी कि एक प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग फ्रूट और जूस वगैरह के प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जैलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि फलों और रसों के परिरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 128 नंबर प्रश्न है, गॉस निम्नलिखित में से किस मात्रा की इकाई है? चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय अभिवाह, विद्युत चालकता, विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो गॉस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इकाई है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की मात्रा है। 128 का आंसर हो जाएगा ए। 129 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 1, अनंत, 0, 2, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह 0 होता है। 129 का आंसर हो जाएगा सी। 130 नंबर प्रश्न है, एक सर्किट के समानांतर में कौन सा उपकरण जुड़ा रहता है जो इसके माध्यम से प्रवाह वाले विद्युत धारा की मात्रा को कम कर देता है? रियोस्टैट, सैट, मोटर, फ्यूज, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संट। एक सर्किट के समानांतर में संट नामक उपकरण जुड़ा होता है जो इसके माध्यम से प्रवाह वाले विद्युत धारा की मात्रा को कम कर देता है। 130 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 131 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी या इंसुलेटर है? मानव शरीर, रबर, पृथ्वी, चांदी, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो रबर इंसुलेटर का कार्य करता है, रबर एक विद्युत रोधी है। 131 का आंसर हो जाएगा बी। 132 नंबर प्रश्न है, दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट की वृद्धि प्रतीत होती है परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट की जो वृद्धि होती है वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। 132 का आंसर हो जाएगा बी। 133 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, यानी कि चंद्रमा से रिफ्लेक्टेड किरणें पृथ्वी तक कितने देर में पहुंचती है? 1.22 सेकंड, 2 सेकंड, 1.28 सेकंड, 1 सेकंड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1.28 सेकंड में चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट होकर पहुंचती है और जो प्रकाश की चाल है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो 133 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 134 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जिसे हम लोग E
ई के रूप में व्यक्त किया जाता है, अधिकतम कहाँ पर होता है, यानी कि अधिकतम गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पर होता है, केंद्र पर, ध्रुव पर, सतह पर, भूमध्य रेखा पर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान सर्वाधिक होगा वह ध्रुव पर होगा, और ध्रुव से जैसे हम लोग विषुवतीय रेखा की ओर बढ़ते जाएंगे तो इसका मान में कमी चली आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 135 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल से संबंधित है, आप मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड, यहाँ पर मैं सबका आंसर बता दे रहा हूँ 135 से लेकर, फिर भी अगर बाद में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड² के त्वरण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता तो बल की मात्रा क्या है। देखिए बल बराबर होता है एम ए, ठीक है, एम ए, एम का मतलब होता है मास, ए का मतलब होता है एसिलेशन, एसिलेशन का मतलब होता है त्वरण, एम का मतलब मास मतलब द्रव्यमान, और एफ फोर्स हो गया, ठीक है। तो इसी वैल्यू पे आपको यहाँ पर टेम्परेचर आपको निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg है, और यहाँ पर एसिलेशन यानी कि त्वरण दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड², यानी कि बल क्या हो गया 5 न्यूटन हो गया, तो 135 का आंसर हो जाएगा ए। 136 नंबर यही फार्मूला पे आपको सेट करना है, एफ बराबर एम ए, यानी कि फोर्स बराबर मास इंटू एसिलेशन, बल द्रव्यमान गुना त्वरण, तो 136 का भी आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 5 kg। 137 भी सेम फार्मूला पे आएगा, 137 का आंसर हो जाएगा सी। 138 भी सेम फार्मूला पर है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अब 139 से फिर भी अगर आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए और इसको आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, ठीक है। 139 नंबर प्रश्न, हालांकि बीपीएससी में इस टाइप के प्रश्न बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी आप इसे सॉल्व कर लें। 139 है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिक परिवर्तन का कारण क्या है। इसके द्रव्यमान में बदलाव, इसके वेग बदलाव, पिंड की प्रकृति में बदलाव, माध्यम में बदलाव, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिकतम परिवर्तन का कारण है इसके वेग में बदलाव, यानी कि 139 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 140 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको सही कथन को चूज करना है, ठीक है। ए, बोरॉन एक उपधातु है जो धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती है। बी, धात्विक बोरॉन अत्यंत कठोर होता है। सी, बोरॉन आमतौर पर आयनिक बंधन नहीं बनाता, यह स्थिर सहसंयोजक बंधन बनाता है। डी, बोरॉन का गलनांक बहुत अधिक होता है। ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कौन सी कथन सही है, इसका ई हो जाएगा आंसर, एक से अधिक इसका सही है। ए भी इसका सही है, सी भी सही है, तो इसका आंसर ई होगा। 141 नंबर भी न्यूमेरिकल ही है, इसे भी वही सॉल्व करना है, एफ बराबर एम ए से सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड². दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न कम पूछे जाते हैं इसलिए मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 142 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर आपको सत्य कथन को चूज करना है, तो प्रतिरोध अधिकतम होता है जब वे इसके समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि जब वे समानांतर क्रम में जुड़ा होगा तब उसका प्रतिरोध अधिकतम होगा। प्रतिरोध न्यूनतम होगा जब इसकी श्रेणीबद्ध जुड़े होते हैं। प्रतिरोध को एम एच ओ में मापा जाता है, बिल्कुल गलत है, प्रतिरोध को एम एच ओ में नहीं बल्कि प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, और ओम को इंडिकेट इस रूप में किया जाता है। प्रतिरोध दो टर्मिनल के बीच के विभवांतर की मात्रा होती है। ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो दोस्तों 142 का भी आंसर जो है वह हो जाएगा ई। 143 नंबर प्रश्न, टॉर मापने की इकाई क्या है। टॉर मापने की इकाई क्या इकाई है, तो देखिए टॉर जो है वह दाब को मापने की एक इकाई है, ठीक है। और 1921 ईस्वी में ऐसा इकाई N·m² के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि पहले दाब को हम लोग टॉर के माध्यम से मापते थे, लेकिन 1921 ईस्वी के बाद N·m² आप ऐसे लिखिए या फिर न्यूटन मीटर यहाँ पे -2 ऐसे लिख सकते हैं, N·m² इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। 143 का आंसर हो जाएगा सी। अगला, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार यह आंसर सही होगा, 746 वाट, चूंकि यहाँ किलो वाट में दिया है तो इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे और दशमलव पुट करेंगे तो 0.746 किलो वाट आएगा, तो इसका 144 का आंसर ए होगा।
145 नंबर प्रश्न, किए गए कार्य की एसआई मात्रक है, यानी कि कार्य की एसआई मात्रक क्या होती है? कार्य की एसआई मात्रक जूल है, बहुत इजी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए जो मेन नोबेल गैस है, नोबेल गैस मुख्यतः छह है, हीलियम, HE, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है, इसे नोबेल गैस कहा जाता है। यहाँ एक भी विकल्प नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ई। 147 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल का एक आवश्यक अवयव है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो अम्ल के लिए अत्यंत आवश्यक है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब किसी भी प्रकार का अम्ल का एग्जाम्पल लीजिए, उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति होती ही होती है। 147 का आंसर हो जाएगा बी। 148 निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपको देखना है लोहे में जंग लगना, लोहे का चुंबकीयकरण, लोहे का गर्म होना, लोहे का पिघलना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे का जंग लगना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, जब एक ट्यूबलाइट टूटती है तो एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न होती है। अब ट्यूबलाइट आप सुने होंगे आवाज़, जब ट्यूबलाइट टूटेगी तो एक कर्कश टाइप की आवाज़ होगी। क्यों कर्कश टाइप की आवाज़ होती है? ए, लैंप के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। बी, लैंप के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सी, लैंप प्रतिक्रियाशील गैसों से भरा होता है। डी, लैंप पारा वाष्प से भरा होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो देखिए लैंप के अंदर का जो दाब है वह वायुमंडलीय दाब से कम होता है, यही कारण है कि जब एक ट्यूबलाइट टूटती है तो एक कर्कश ध्वनि उत्पन्न करती है। 149 का आंसर हो जाएगा ए। और आज का 150वां नंबर प्रश्न है, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल इमली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इमली में प्रचुर मात्रा में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के बायोलॉजी सेक्शन का 150 प्रश्न का डिस्कशन समाप्त हुआ। आप इन 150 में से कितने मार्क्स प्राप्त किए हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर बताएं। साथ ही किसी प्रश्न को लेकर अगर आपके मन में शंका एवं डाउट हो तो उसे कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको, उसका डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आई होगी। मेरा परफेक्शन IAS टेस्ट सीरीज डिस्कशन प्रारंभ करने का एकमात्र उद्देश्य वैसे छात्र जो अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज के अभाव में अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज के लिए BPSC प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उन तक सहायता और मदद को पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास है। मुझे उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।